नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा और आज हम जानेंगे मालाओं के बारे में। ये पर्टिकुलर माला सैंडलवुड से बना है, इससे सैंडलवुड की खुशबू भी आती है। हर एक माला 108 बीजों से बना हुआ होता है। हिंदू धर्म के बारे में ज़रा सी भी जानकारी रखने वाले ये जानते होंगे कि मंत्र उच्चारण और जप करते वक्त हम 108 बीज वाले मालाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा बीज होता है जो हमें जानने में मदद करता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। पर 108 ही क्यों? इसका उत्तर ढूंढते समय मुझे इतना आश्चर्य करने वाला उत्तर मिला जो मैंने सोचा मैं आप सब में शेयर करूं, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल और बेसिक वीडियो बनाया है जिसके थ्रू मैं आप सबको लेके जाऊंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। ये नीला रंग का गोला आज हमारा आकाश बनेगा, यही जोडियक या राशि चक्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। 360 डिग्रीज को 12 राशियों में डिवाइड करने पर हर राशि को 30 डिग्रीज का एंगल मिलता है, और इससे ही बनता है 12 राशियां जिन्हें हम इंग्लिश में जोडियक साइंस कहते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी राशि चक्र में समाते हैं हमारे 27 नक्षत्रास। इन नक्षत्रों का नाम है अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, अरद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भद्रपदा, उत्तरा भद्रपदा, रेवती। इस राशि चक्रों को 27 नक्षत्रों में डिवाइड करने पर हर एक नक्षत्र का डिग्री 13.20 होता है। इन नक्षत्रों को आगे जाके चार चरणों में डिवाइड किया जाता है जिनको पादास कहते हैं। 13.20 को 4 से डिवाइड करने पर हर एक पादा 3.20 डिग्रीज का बनता है। एक पूरे राशि चक्र में कितने पादास होंगे ये जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये 9 पादास को 12 राशियों से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका 27 नक्षत्रों को 4 पादास से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ही तरीकों से एक ही उत्तर मिलता है 108 पादास। ये 108 पादास का ज्योमेट्रिकल इमेज है। जब हमने इस चित्र को गॉड पार्टिकल के चित्र से कंपेयर किया तो हमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखे। गॉड पार्टिकल क्या है? ये गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल साइंटिस्ट का एक हाल ही में हुई खोज का परिणाम है। ऐसा बोला गया है कि हमारी सृष्टि का कारण ही ये गॉड पार्टिकल है। एक और आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ ये है कि इस पूरे रिसर्च में न्यूमेरिकल नंबर 9 को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हमारे सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। 360 डिग्रीज 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। 108 पादास 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। 27 नक्षत्रास 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। हमारे हिंदू धर्म का श्रीयंत्र, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय ज्योमेट्रिकल पजल है, वो भी 9 त्रिकोणों से ही बना है। इन सभी चीज़ों से यही मालूम होता है कि जब हम 108 बार मंत्र उच्चारण करते हैं तब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे सृष्टि से प्रार्थना करते हैं, 9 ग्रहों से प्रार्थना करते हैं, 27 नक्षत्रों से प्रार्थना करते हैं, 12 राशियों से प्रार्थना करते हैं और निर्गुण निराकार परब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।